हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास हमारे पटियाला ऑफिस में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो हमसे आके आर्गुमेंट करते हैं कि हमने कनाडा जाना है, लेकिन जाना उस स्टेट में है जहां पर हमारे रिलेटिव रह रहे हैं। मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट के रिलेटिव ओंटारियो में रह रहे हैं, तो बच्चा कह रहा है कि मुझे उसी स्टेट में जाना है। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है कि आपको क्या करना चाहिए, कनाडा जाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको उससे क्या होगा, आपका ही फायदा होगा। तो वीडियो में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ आज मैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। इसमें क्या है, हम आपको काफी अच्छे फैक्टर्स बताने जा रहे हैं कनाडा के बारे में। सबसे पहले तो जो बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं, अगर उनके पेरेंट्स के पास पैसे की कमी है तो उनको क्या है, रिमोट एरिया के जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन करवानी चाहिए। उसके उनको क्या क्या फायदे होंगे वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें क्या है, आप जो रूम रहने के लिए रेंट पे लोगे वो भी आपको सस्ता मिल जाएगा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस भी आपकी कम होगी, और अगर आपके आइलेट्स के एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड हैं और बाकी सब में 6-6 हैं तो भी आप कनाडा में एंटर हो सकते हो। अगर आप कार रखना चाहते हो तो भी आपको जो रोड टैक्स है वो कम पे करना पड़ेगा, और जॉब के अंदर आपको ज़्यादा कंपटीशन सहन नहीं करना पड़ेगा, ग्रोसरी आपको सस्ती मिल जाएगी, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। मींस कि आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम होगा अगर आप अटलांटिक जोन के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो। जो कोर्स है वो सिर्फ आप एक साल का ही चूज़ करो ताकि आपको वीज़ा मिल सके, आपका वीज़ा लग सके। कनाडा में क्या है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और वहाँ पर आपने पीआर लेनी है तो आपको कितना टाइम लगेगा। जैसे कि 2021-22 में क्या है, अगर ओंटारियो या बीसी में परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है तो वहाँ पर लगभग 5 साल का समय लग रहा है। इसके ऊपर कुछ सर्टिफिकेट कंडीशंस अप्लाई होती हैं, और इसके कंपैरिजन अगर ओंटारियो जोन में देखा जाए तो वहाँ पर 18 महीने लगते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कहाँ जल्दी पीआर मिल रही है ये आपने देखना है। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट के और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कनाडा में अगर उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो उनकी एनुअल इनकम कितनी होगी, कितना साल में वो कमा सकेंगे, या फिर वो वहाँ पर अपना मकान खरीदना चाहते हैं तो उनका कितना खर्चा आएगा, कौन से स्टेट में ज़्यादा भीड़ भड़क्का होता है, ज़्यादा लोग रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्वायरीज हैं स्टूडेंट्स की। तो आप अगर ये सारी क्वेरी क्लियर करना चाहते हैं ना तो आप हमारे कनाडा ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। कनाडा ऑफिस का नंबर नोट कर लीजिए, +1604-765-5008। इस नंबर के ऊपर आप कनाडा दिन के टाइम संडे को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बात कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो जो भी आपके मन में डाउट है, आपने कनाडा के बारे में कुछ पूछना है, किसी वीज़े के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो सारी बात आप इस फ़ोन नंबर के ऊपर 9 बजे से 4 बजे तक संडे को कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए और जो भी आपने कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे पटियाला ऑफिस में बात करना चाहते हैं तो भी नंबर नोट कर लीजिए, 9882-9500। इस नंबर के ऊपर भी आप वर्किंग डेज में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इजी रास्ता अपनाकर कनाडा जाकर सेटल हो सके, आपका खर्चा कम हो और आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। सो और नई नई वीडियोस देखने के लिए, कनाडा के बारे में नई नई अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।